और हाँ। सबसे पहले गोश, 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 गोश याद आता तुझे? कह बेद, बेद। अबे के पहले कहा बता बेद, बेद होता क्या है, है। लाइसेंस लेके तो तो ले, बाल बड़े बड़े लेकिन ये को सीख जीना सिखाएगा कैसे घूम रहा तू राक्षसों की तरह डराता फिर रहा है

कराची तुम ही अबे हो अखंड भारत की बात करने वाले हो मुकुंद मुकुंद कहा बीमारी महान्त नहीं है नहीं। ये बड़ी मुश्किल से तो जीता चुनाव इसको ईवीएम तो से आया लड़ने दोबारा बैलेट पेपर पे तेरी उकात पता चल जाएगी मुकुंद आगे पता नहीं कहां से आचार्य फाचार्य बन के नहीं। बाल बढ़ा लेंगे ऐसे और डराते फिरेंगे देश में समझे नहीं अगर तुझे साधु ही बनना था साधु करता पूजा पाठ कर रहा चुनाव का लड़ रहा है बकवास और सबसे पहले घोष 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 याद आता तुझे? कह रहा कहा होता क्या है, क्या है? लाइसेंस लाइसेंस लेके करो काम पहले, लाइसेंस पहले, हो के? के से, जीना सिखा हाँ, जीना मैं तुम्हें ये सिखाएगा पे पहले खुद सीख ले बाल बड़े बड़े ले घूम रहा तू महन थे जीना सिखाएगा पहले अपना परिवार बसा घर बसा बच्चे पाल है, है तो बाल कटवा कैसे घूम रहा तू राक्षसों की तरह फिर रहा है और कह रहा मैं खाता नहीं मिठाई नहीं, खाता मतलब आ, तो, मिठाई नहीं गोश खाता है क्या हड्डी नहीं खाता मैं नोटों की गड्डी खाता हूँ गड्डी गिला उसको तब ये चलने देगा तुम्हारी देखो ऐसे भ्रमचारी है ये काय के भ्रमचारी है ये आतंकी है आते ही अपनी औखा दिखा दी भाजपा की सरकार भाजपा ने कह तो दिया एकदम ही कहले भाई ओ क्या कर रहा हो तो ये बड़ी मुश्किल से जीता है से जीता है तब ये शांत हो गया माफी मांग रहा था ना अब ये हाँ गलती हो गई कह रहा मेरे बयान से किसी को खेत पहुंचा खेत खेस तू देश का बाप है क्या देशवासी सब कुछ खाएंगे आजाद ये संविधान में तू रोक लेगा खाएंगे नहीं क्या रहेंगे तो तेर से तेर से पूछ के रहेंगे क्यों लाइसेंस से क्या रहे वो बंद कराना पहले उनको बंद करा ये बीप एक्सपोर्ट की कंपनियां है फटती है क्या वहां दिमाग की नस वहां करा बंद वहां बैठना उसमें तो नंबर अरे तो बारे उसके, बारे उसके तो अरे अरे इसके, उसके खिलाफ बोले किसी कंपनी का पता नहीं चलेगा दुनिया से गायब हो जाएगा उन कंपनियों उठा सवाल बैठ हाँ धरने पर बैठ तो सही उड़ा देंगे अरे इनकी फटती है अरे एम एल ए नहीं है जाएगा फिर ये पता भी नहीं चलेगा कर उन पर कंपनियों पे बीप एक्सपोर्ट कर रही है हवा खराब हो जाएगी तेरी पार्टी को चंदा देते हैं बहुत बड़ा फंड समझे बाल मुकुंद मुँह में डाल देंगे वो है मर्यादा में रहे तो दंड, दंड 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 अच्छा हाँ दंड, दंड की बात कर रहा हूँ दंडाधिकारी आ गया ना कौन सा सिंगोल सिंगोल देखा नहीं मोदी जी का वही है दंड मुंह में डाल देंगे बाल मुकुंद राजस्थान में सरकार बनी और उसी को लेकर लगातार वहां पे अपराध हो रहा है जाकर धमकाने लगे और वहीं करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाती भाई है भाई मैं कहना दिख तो जांग, जांग, बा... बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक, मुक्त हो जाएगा हाँ, अपराध मुक्त हो जाएंगे राज्य तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों देखने को ये जान के तो लुटेरे हैं आतंकी है भाजपा वाले लूट लिया ना ईवीएम से ईवीएम चोर है है वो कहां गई भी इस लाखीएम जो 2019 में गायब एब हुई चोर एब चोरों की सरकार ईवीएम से चुनी हुई सरकार ईवीएम सरकार है लोकतंत्र का जनादेश नहीं है ये हत्या देश पैदा हुए हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं लोकतंत्र नहीं बना दिया लोकतंत्र भारत की अरे भाई रक्षा, रक्षा? कौन कह रहा रक्षा मोदी जी कहते हैं जब भारत सुरक्षित हाथों में कहा सुरक्षित कौन सुरक्षित कौन ओ तेरे हाथ में सुरक्षित है बेबी सुरक्षित नहीं भाग गई है उसे नहीं रख पाया सुरक्षित भाई कहेगा ये कौन है आदमी इसको पकड़ो अभी ऐसे ही हो जाते हैं हम भी तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे भूतनी के गाली दे रहे तो ये है जब प्रधानमंत्री हैं हर चीज में गारंटी देते हैं और उसी के लेके इलेक्शन लड़ा गया और उसी में जीत हुई है उनकी तो मो... मोदी जी की गारंटी पे जीती है अच्छा मोदी 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 गारंटी मोदी गारंटी चल रही है मोदी की गारंटी है बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है मोदी गारंटी है लोगों की गारंटी नहीं किसी के भी घर में चार चार गोलियां दागने आदमी की कोई गारंटी नहीं है है मोदी गारंटी है किसी को काम करने नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है मोदी गारंटी है रोजगार नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है समझे बहन बेटियों को नंगा घुमा देंगे इसकी गारंटी है मोदी गारंटी है देश सुरक्षित है था तो मैं, लेकिन करनी सेना का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है भाई वो तू सुरक्षित होगा जब तुझे तो सुरक्षित हाथों में लग रहा है अरे मोदी जी हाँ मोदी की गोदी में खेला होगा तू मैं क्यों खेल प्रधानमंत्री ने पल से दूध बिलाया होगा, होगा। सम्मानित और सम्मानित का सम्मान नहीं सम्मान कर चाट ले लटक बन जा उसकी लटक की क्या बात है कोई ज्यादा नहीं चापलू कर रहा भाई भाई सम्मान की बात बंद चापलू सा विरोध होगा भाई का गरिमा बात नीति है नीति का विरोध नीति कहीं नहीं है ये निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री है ऐसा बोलिए हाँ और कैसा बोलूं गाली नहीं देंगे गाली का अंत कौन सी गाली अभी बोला ना गा... क्या वो? क्या बोला अभी तो बोला था क्या बोला भूतनी का मतलब क्या होता है भूत तो मैं विश्वास रखने वाले भय भूत भयभूत में विश्वास रखता है वो कौन है प्रधानमंत्री मोदी तो भय भूत में नहीं रखता है नहीं मना कर में नहीं रखता वैसे घंटा बजाता आरती उतारता चार चार घंटे मूर्ख बनाता है ना करे तो क्या तो, क्या क्या है। तो हमने कहा अधर्मी तो है ही तो है कुकर्मी है जितने पाखंड कर रहे हैं धर्म के नाम पे यही तो मजाक उड़ा रखा है धर्म का और ईवीएम मशीन से जीते हैं मोदी लहर है मोदी लहर नहीं है कह रही है मोदी का ईवीएम तानाशाही है अगर इनके बस किए तो बैलेट पेपर में पे कराओ चुनाव ओवीएम जो है ना जो मोदी दूसरे तो जीत रहे थे तो ईवीएम सही था वो जीत आ, रहे तो अरे यार हरफत हो गई तो कांग्रेस का लग रहा है मुझे लगता है क्या बात है ऐसे ही लग रहा है जब का, कांग्रेस तो ईवीएम को लेके आई कांग्रेस तो लाई ईवीएम को जैसे कांग्रेस ने वो ताला खुलवाया मस्जिद मंदिर जो का उसमें आंदोलन किया भाजपा ने ऐसे ईवीएम लाए कांग्रेस तो अभी आप हैं ईवीएम को लेकर आंदोलन हो जाए और ईवीएम को तो होना ही चाहिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी देश नहीं बचेगा ये लुटेरे आतंकी देशद्रोही और मैं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा मैंडल दिया है ईवीएम चोरी से और बधाई के पात्र हैं आरएसएस और सबसे भी ज्यादा बधाई की पात्र है देशद्रोही भारत की निर्वाचन आयोग समझे हाँ आतंकी है वो ऐसे अरे लोकतंत्र निष्पक्ष ऐसे निष्पक्ष होता है पहले देखो तो सही कैसे होगा अरे भाई लोकतंत्र लूट लिया इन्होंने बर्बाद कर दिया लोकतंत्र में बदल दिया जब कितने सालों से चिल्ला रहे हैं लोग कि भाई मशीन पे पे नहीं पेपर करा तब लोगों पर जूनी रंगती सुप्रीम कोर्ट ने कहा मगर नहीं कराया तो ये तानाशाही नहीं है तो ये आतंकवादी है चुनाव आयोग नहीं है ये चुनाव नहीं आतंकवादी बैठे हैं चुनाव आयोग बैलेट पेपर से भी तो चुनाव आयोग कराएगा कौन सा चुनाव आया बैलेट पेपर में खानी लिंक कर पाएंगे ना इी एम में तो बना देते हैं तुरंत मशीनों में काम खत्म समझे इसलिए तो हो रहा है वाला कहीं कहीं भी भी कर लेगा कहीं भी करके तो दिखाए कहाँ कहाँ लेके जाएंगे पैकेट के डब्बे टा, एक एक बोट उठाना पड़ेगा उसमें उसमें थोड़ी है भाई इसमें तो बटन दबाया विपक्ष है। हाँ। कमजोर है विपक्ष कमजोर कहा विपक्ष है कौन अच्छा है ही नहीं कमजोर तो है अच्छा पूरा भारत कमजोर है इनके सामने भारत को कमजोर होता विपक्ष कौन है भारत ही तो है भारत महान देश अरे भारत विपक्ष है यहाँ भारतवासी विपक्ष है अच्छा पक्ष में कौन है पक्ष में तो कांग्रेस है भाजपा है ये तो इन्हीं की सत्ता और सरकार है आपने देखा नहीं तो कांग्रेस ही तो हार रही है है अरे तो क्यों बुरा लग रहा भाई कौन कह रहा है, है। कांग्रेस तो माँ है आर एस एस की तो माँ कैसे हार जाएगी अच्छा जब बच्चे जीत रहे बच्चों के बच्चे पोता जीत गया तो ये तो लौटा लेके मजे ले रही है समझे इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो देख लेना ये दो सन दो में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो कांग्रेस आ जाएगी अच्छा जो आ जाएगी क्या आपने देखा था पहले सन 2004 में उससे आप पहले बात से मनोबल बढ़ जाए नहीं, नहीं। मैं बता कांग्रेसियों को हाँ तो भूतनी भालो आओ तो ईवीएम से ही